नमस्कार, प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह और आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों की ओर। महाराणा प्रताप नगर की पंजाब नेशनल बैंक शाखा में आज सुबह आग लग गई, जिससे बेसमेंट में रखा बैंक का काफी रिकॉर्ड जल गया है। आग पर करीब आधा घंटे में काबू पाया जा सका। जानकारी के मुताबिक पंजाब नेशनल बैंक की एमपी नगर शाखा में आज सुबह करीब 9 बजे बैंक के एक भृत्य ने बेसमेंट से धुआं उठते देखा था। इसके बाद फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई। तीन स्थानों से फायर ब्रिगेड की दमकल घटना की सूचना पर पहुंची। करीब 15 फायर कर्मियों ने आग पर काबू पाने के लिए प्रयास किए। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष नंद कुमार सिंह चौहान ने कहा है कि जम्मू कश्मीर से धारा 370 खत्म करना किसी एक के बस की बात नहीं है। उन्होंने बताया कि इसके लिए लोकसभा और राज्यसभा में 2/3 बहुमत की जरूरत है। इससे पहले चौहान ने पार्टी के प्रदेश कार्यालय के सामने स्थित डॉक्टर मुखर्जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। यहाँ कश्मीर हमारा है के नारे भी लगाए गए। पीथमपुर की सिप्ला दवा कंपनी के कर्मचारी यशपाल बिष्ट हत्याकांड का पर्दाफाश हो गया है। राव पुलिस ने यशपाल की पत्नी और उसके प्रेमी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने महज 3 दिन की पड़ताल में खुलासा कर दिया है कि पत्नी ने ही अपने प्रेमी को पति के पास भेजा था ताकि वह उसे जन्मदिन पर मौत का तोहफा दे सके। हत्या की वजह यह सामने आई है कि पति ने बीमार पत्नी के पास देहरादून जाने के लिए नौकरी बदल ली थी, लेकिन पत्नी उसके साथ नहीं रहना चाहती थी। 2013 में टाइपिंग और स्टेनो परीक्षा में फर्जी तरीके से पास होने वाले दो और लोगों का नाम सामने आया है। ये दोनों ही दमोह जिला न्यायालय में पदस्थ हैं। इनमें एक स्टेनोग्राफर अतीक रहमान और दूसरा सहायक ग्रेड 3 इमाम खान है। उधर एसटीएफ जांच में इनके नाम सामने आते ही दोनों ने गुरुवार को भोपाल जिला न्यायालय में गिरफ्तारी से बचने के लिए अग्रिम जमानत की अर्जी लगा दी है। मुरैना में घड़ियाल सेंचुरी के गार्ड्स ने शिकार किए गए एक मगरमच्छ की बॉडी को रिकवर किया है। शिकारी गार्ड को देखकर शिकार हुए मगरमच्छ को छोड़कर राजस्थान सीमा में भाग गए। सेंचुरी प्रबंधन ने मगरमच्छ की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आशंका जताई जा रही है कि सेंचुरी के 3 राज्यों की सीमा में होने का फायदा उठाकर शिकारी इसकी खाल लेदर इंडस्ट्री को महंगे दामों में बेच रहे हैं। प्रदेश की खबरों फिलहाल इतना ही। प्रदेश की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए nstv.in। नमस्कार। पूरे मध्य प्रदेश की लड़कियों को हमारी सरकार पढ़ाएगी। लड़की पढ़े, समाज बढ़े। आओ बनाएं अपना मध्य प्रदेश।